कानपुर देहाती गजनर थाने के एक सिपाही की गोली लगने से आज रात मौत हो गई। पुलिस जहां इसे सुसाइड बता रही है, वहीं सिपाही के परिजन सीधे हत्या किए जाने की आरोप लगा रहे हैं। नरेश यादव नाम का यह सिपाही अपने साथी सिपाही वेद प्रकाश के साथ रात में गश्त पर निकला था। ये दोनों सिपाही कानपुर देहात के गजनर थाने के पामा चौकी में तैनात थे। दोनों रात को 8 बजे ड्यूटी पर निकले थे। रात 10:30 बजे साथी सिपाही ने थाने में सूचना दी कि नरेश ने खुद को अपनी राइफल से गोली मार ली है। नरेश को घायल अवस्था में कानपुर के रिजेंसी हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। कानपुर देहात के SP राधेश्याम जहां सिपाही की मौत को सुसाइड बता रहे हैं, वहीं मृतक के परिजन इसे सीधे सीधे हत्या बता रहे हैं। सिपाही के बेटे दीपक का आरोप है कि मेरे पिता को कोई तनाव नहीं था तो वे सुसाइड क्यों कर रहे हैं, उनकी सीधे हत्या की गई है। जो मृतक है इनकी उम्र लगभग 57 वर्ष है और जो साथ में गए थे उनकी उम्र 52 वर्ष है और एक पेट्रोल पंप सरवन खेड़ा में है, वहाँ पर ये लोग थे। उसी दौरान इनका कहना है जो साथी से कि वो पेशाब करने गए के बहाने वहाँ जा कर के उन्होंने अपनी राइफल से फायर कर लिया। वो फायर जो है इनको हर्ष के ऊपर जो है लेफ्ट साइड में लगी और आर पार हो गई। उन्होंने सूचना दिया थाने पर, थाने के जो है लोगों में पहुँच करके जो है और तुरंत हॉस्पिटल ले गए राजावत। वहाँ तक तो उनको सांसें आ रही थी, फिर वहाँ से रिफर किया यहाँ रेजिडेंसी के लिए, यहाँ आते आते इस पार कर गए। प्रथम दृष्टिया जो अभी तक की सूचना चूँकि जो हम लोगों को मिली है उसके आत्महत्या करने की बात बताई जा रही है और विस्तृत और लोगों से पूछताछ घटना स्थल के लोगों के जो पेट्रोल मालिक हैं या अन्य जो कर्मी हैं आसपास रहे होंगे उनसे सब बात करने के बाद ही कंक्लूजन पर पहुंचा जा सकता है। सर, एक वालों को ये बोलना है कि उनके रिटायरमेंट में लगभग 3 वर्ष बाकी थे जी और उनके घर में भी इस टाइप की कोई बात नहीं थी, तो क्या लगता है मतलब सुसाइड वो नहीं कर सकते? अब देखिए अभी तक जो हमारे पास सूचना है सुसाइड की है। 5 राउंड जो है उनके चैम्बर में थे राइफल के, हाँ 4 मिल गए, 1 मिस है, 1 नहीं मिला, तो एक ही आवाज़ हुई थी फायर की। गणना उनको कोई भी तनाव नहीं था, उनको कोई भी दिक्कत नहीं थी, हमारे सारा सिस्टम सब बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं थी उनको। आज छुट्टी से वापसी गए थे, आज 3 दिन की छुट्टी थी, 3 दिन बाद छुट्टी के बाद आज वो गए थे। उनके पास 9 बजे हमारी उनसे बात हुई है, बात होने के बाद 9 बजे के बाद फिर उनसे बात होती है तो वो कोई उठाता है फ़ोन, कहता है आप रिजेंसी पहुँचिए, और फिर अभी यहाँ पे बातचीत होती है सबसे तो वो लोग कह रहे हैं कि गोली अपने आप चलाई है। जब उनके पास कोई तनाव नहीं है तो गोली किस प्रकार चला दी उन्होंने? क्या लगता है हत्या की गई? उनकी रियल चीज़ है ना, वो हत्या की गई है। इतनी बड़ी गोली, इतनी बड़ी बंदूक कोई लगा सकते हैं सामने? आपको कि उसके साथी उन्होंने क्या किया, कोई और दूसरा तो समझ में आता है आपको? हमको ये तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन गोली अपने हाथ से नहीं लगी। लेकिन गोली अपने हाथ से नहीं लगी है, लेकिन जो वहाँ के जो साथ में सिपाही थे उनसे जानकारी मिलेगी, लेकिन वो बिल्कुल कुछ बता नहीं रहे, गोल मोल बता रहे हैं सब साथ वाले सिपाही को बोलने के लिए। विभागीय लोग पूरा कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं, उन्होंने अभी तक कोई ऐसा कोई वो नहीं किया है कि जो हमारे पिताजी को मतलब लाए यहाँ पे, उसके बाद उन्होंने ये कोई चीज़ हमको बताने कोई वो नहीं समझी कि क्या है क्या नहीं है। गोली अपने मारी है मतलब, और वो बाथरूम करने गए हैं और बस अब गोली चली है और बस ये ना, वो ये बता रहे गोली उन्होंने खुद मारी कि बदमाश ने गोली मारी, कुछ भी नहीं बता रहे, बस ये बोल रहे गोली लग गई। भाई उन्हें गोली इन लोग साथ का मैटर है नहीं, राइफल से राइफल कैसे गोली यहाँ पे लगी है, कैसे गोली लग सकती है, कैसे गोली लग सकती है? बिल्कुल सर, नहीं नहीं कोई दुश्मनी नहीं, वहाँ थाने में का दुश्मन। 3 साल रिटायरमेंट ऐसा क्या आपको ऐसे सम्मान लगते हैं जो साथी सिपाही साथ में थे किसी वो बात जब बात साफ ही बता रहे ना, अभी ये तो उन्होंने बात नहीं साफ बता रहे तो क्या करेंगे? एक कांस्टेबल की राइफल लगने से मौत हो गई है। गोली लगी उनको? जी, खुद को मारी क्या गोली? अब ये तो बता नहीं सकते हैं। बैठे थे तो हमारे पास ही बैठे थे कुर्सी पे, इसके बाद 2 मिनट बैठने के बाद जो है वो पेशाब करने चले गए, तो हम लोग सोचे कि पेशाब करने गए हैं जी। अब पेशाब तो नहीं किए थे, उसके पहले ही का नाम से उनके साथ ये दुर्घटना घट गई। जब आप वहाँ पहुँचे तो क्या देखा था, कैसा था भाई? वहाँ पे जब हम देखे थे का नाम से तो इनका जो है ब्लड खूब निकल रहा था और सर उनका टेढ़ा हो गया था, तब हम लोग 2 सिपाही और हम मिल करके उनको ले आ करके यहाँ कुछ दूर पर लेटा दिए, इनके सीने पे गोली लगी है। फिर कैसे कहाँ ले गए? फिर यहाँ से ले गए हैं जिला अस्पताल अकबरपुर जी,
फिर वहाँ से रेफर किए हैं तो आए हैं ये लोग राजावत हॉस्पिटल रनिया, ठीक है, फिर रनिया वाले रेफर कर दिए हैं तो ले गए हैं इनको रेजेंसी कानपुर नगर में। कौन सी गाड़ी यहाँ से ले गई थी? यहाँ से पुलिस